खत्म। चीनी किधर गई? शायद मैं चीनी लाना भूल गया, लेकिन चीनी में लाना क्यों भूल गया? खैर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पकौड़े बहुत मजे के थे। चीनी नहीं लाए क्योंकि पकौड़े मजे के थे? शायद नहीं, शायद मैं चीनी लेने इसलिए निकला था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और बादल आए हुए थे, और पकौड़े देखकर मैं भी वहीं रुक गया। किसका दिल नहीं करता कि बारिश के मौसम में बंदा पकौड़े ना खाए, तो वापसी पे शायद चीनी लाना भूल गया, मतलब चीनी ना लाने की वजह बादल है। शायद नहीं, क्योंकि बादल तो टेम्परेचर डिफरेंशियल और ठंडी और गर्म हवाओं की मूवमेंट की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया, मतलब चीनी ना लाने की वजह मौसम है। लेकिन 14 बिलियन साल पहले तो मौसम तो तब बना था ना जब ज़मीन ठंडी हो रही थी और इसके अंदर से सारी गैसेज निकलकर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स में अटक कर रह गई थी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बना। तो मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि चीनी ना लाने की वजह एटमॉस्फेयर है। मगर कुछ बिलियन साल पहले ज़मीन तो तब बनी थी ना जब बहुत बड़ा गर्द गुबार का बादल कंडेंस होकर हमारे सोलर सिस्टम की शक्ल अख्तियार कर गया था। अगर ये सब सच है तो क्या 14 बिलियन साल पहले कायनात को पता था जब वो धमाके से फटेगी, सितारे बनेंगे, कक्षाएं बनेंगी, जमीन बनेगी, इसमें इकोसिस्टम बनेंगे, सिंगल लाइफ फॉर्म्स बनेंगी, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स आएंगे, फिर इंसान आएंगे, कॉलोनीज बनेंगी, जानवरों की कल्टीवेशन स्टार्ट होगी, फिर गाय भैंसें आएंगी जिनमें से दूध दोहना शुरू होगा। वैसे वो बंदा क्या करना चाह रहा होगा जिसने पहली दफ़ा गाय में से दूध निकाला, और उसको कैसे पता चला कि यह दूध कहाँ से आता है? खैर मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मगर यार फिर भी सर, फिर इंसान काश्तकारी करेंगे, गन्ने की फसल उगाई जाएगी और गन्ने में से फिर चीनी निकाली जाएगी, और आज ही के दिन जब मैं सुबह उठूंगा और मेरी चीनी खत्म हो चुकी होगी 14 बिलियन साल बाद। हाँ शायद अगर आप पुलियस नौकर में एक ही शॉट को एक एंगल स्पीड और मोमेंटम के साथ लगाते हैं तो कोई भी अच्छा कंप्यूटर उसकी आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता है, और उसी शॉट को सेम एंगल और स्पीड के साथ आप जितनी दफा भी लगाएंगे तो सेम ही रिजल्ट होगा और हर दफा बॉल उसी जगह जाएंगी। तो अगर बिग बैंग 1000 दफा भी दोबारा होता है जैसे ये 14 बिलियन साल पहले हुआ था, 100% बिल्कुल वैसे का वैसा ही, तो इसका मतलब 14 बिलियन साल बाद आज के दिन मेरी चीनी खत्म हो जाएगी। क्या इसका मतलब है कि हमारी सारी जिंदगी मौत के सभी लम्हे पहले से तयशुदा है और हम सिर्फ कायनात के बहुत बड़े स्नोकर या पूल की गेंदे हैं जो 1000 दफा भी सेम तरीके से सेम ही काम करेंगे और मेरी चीनी भी आज ही के दिन खत्म होगी, बिल्कुल स्नोकर की गेंदों की तरह? लेकिन हम अपनी मर्जी से उठते, पीते, सोते, खाते भी है ना, देखो ना सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है, कायनात स्नोकर टेबल है जिसपे गेंदे खास अंदाज में आपस में टकरा रही है, उन्हीं गेंदों से मेरा जिस्म, दिमाग वगैरह सब बना, तो मतलब मैं अपनी मर्जी से भी तो जी सकता हूँ ना। वरना तो हम सब कायनात के स्नोकर में बेढंगे अंदाज से चलने वाली गेंदे हैं जिसकी सारी चीजें पहले से ही तयशुदा है, मतलब हम वो रोबोट हैं जो पहले से तयशुदा कोड पर अमल कर रहे हैं, हमें खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, मगर हम समझते हैं कि हम अपनी मर्जी से हरकत कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया हुआ कि हमारे पास फ्री विल है, और हम समझते हैं कि हम दूसरे एटम से अफजल है क्योंकि हमारा जिस्म भी उन्हीं एटम से मिलकर बना है जिसे बाकी चीजें बनी है। तो जिंदगी में कुछ भी करने का कोई मकसद ना हुआ, कुछ भी लिखा जा चुका है, सबसे पहले ही वही सब कुछ हम कर रहे हैं, लव, फैमिली, दोस्त वगैरह कुछ भी, कोई चीज नहीं मैटर करती, किसी चीज का कोई मकसद नहीं, सब पहले से डिफाइंड निजाम पे चल रहा है, सब कुछ खुद ही होता जा रहा है, खुद ही होता रहेगा और खुद ही होगा।